नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद पुलिस ने मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा कर दिया है। फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से अलग अलग ब्रांड के 19 मोबाइल बरामद हुए हैं। SP ग्रामीण रण विजय सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि मोबाइल चोरी की वारदातों को पर अंकुश लगाने के लिए फिरोजाबाद पुलिस ने टीम बनाई। इस टीम ने भीड़भाड़ वाले इलाका, हाट बाजार और सब्जी मंडी में सतत निगरानी की, जिसमें एटा चौराहे पर कुछ संदिग्ध लोगों की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर फायर कर दिया, जिससे पुलिस वाले बाल बाल बच गए। वहीं पुलिस ने नीरज उर्फ भूरा पुत्र सुमन कुमार निवासी मोतीनगर आसवाबाद तथा मोनू उर्फ अब्बासी पुत्र बारिश निवासी बोदला थाना जगदीशपुरा आगरा को पकड़ लिया। उनकी निशानदेही से 2 आरोपियों को, जिसमें सहबान पुत्र जमाल निवासी नूरनगर थाना रामगढ़ फिरोजाबाद और मोमिन पुत्र अली हसन निवासी अब्बास नगर सैलई पुलिया थाना रामगढ़ जिला फिरोजाबाद को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रमोद पुत्र नामालूम निवासी नगला मिर्जा थाना शुकोहाबाद भाग जाने में सफल हो गया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 19 मोबाइल फ़ोन, 1 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा और 1 कारतूस भी बरामद किया है। आरोपी नीरज उर्फ भूरा ने पुलिस को बताया कि वह गाड़ी बुक करके जाते थे और गैर राज्यों, प्रांतों और प्रतिष्ठानों जैसे मंदिर, मेला आदि में गैंग बनाकर चोरी करते थे। उसके बाद मोबाइल को सप्लाई कर देते थे। अभी हाल ही में हरिद्वार, दतिया, बागेश्वर धाम से लगभग 200 मोबाइल चोरी की है, जिन्हें बेच चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो देखते रहिए C20 न्यूज। शिकोहाबाद की टीम ने आज एक अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गैंग के 4 सदस्यों को मुठभेड़ में पकड़ा है। इनफैक्ट ये जो 4 मेंबर है उसमें 1 आगरा का रहने वाला है और बाकी 3 फिरोजाबाद जनपद के ही हैं। ये पूरे देश में घूम घूम करके जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो टेम्पल्स हैं, जहाँ मेले वगैरह लगते हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ से मोबाइल चोरी करके लाके और इसको यहाँ पे इनका एक नेटवर्क है, जिस नेटवर्क के माध्यम से उसको सेल आउट करते हैं। इन लोगों की पोजीशन से अभी 19 मोबाइल बरामद हुए हैं और इनके पास जो असलाह है, जब पुलिस ने इनको दौड़ाया था उस समय इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया था, वो असलाह बरामद हुआ है और बाकी 1 बाइक बरामद हुई है, 19 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसमें एक सदस्य है जो प्रमोद, अभी वो शुकोहाबाद का ही रहने वाला है, वो भागा हुआ है, उसको भी हमारी टीम बहुत जल्दी पकड़ेगी। 4 लोग जो हैं, इनके अतिरिक्त भी काफ़ी लोग हैं, इनके जो मोबाइल्स वगैरह हैं उस पर हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है और बहुत जल्दी हम बाकी अन्य जो इस मेंबर से जुड़े हुए लोग हैं इस गैंग से, उसको भी हम लोग नैब करेंगे। और ये एक इंटरस्टेट गैंग और बहुत ही एक्टिव गैंग है और बहुत शातिराना अंदाज से ये सभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में मोबाइल निकालते हैं और उसके बाद इसको कहीं एजिटीज भेज देते हैं, उसके बाद कहीं कहीं जब नहीं इनका बिकता है तो उसको डिसमेंटल करके पार्ट्स के रूप में बेचते हैं। तो इस प्रकार ये शिकोहाबाद पुलिस को एक सफलता मिली है और इन्होंने एक अच्छे गैंग को वर्कआउट किया।